आज हम सीखेंगे कैसे हम वीडियो में एक पर्सन को रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरे पर्सन से स्वैप कर सकते हैं उस पर्सन को यूजिंग जस्ट अ सिंगल इमेज। तो इस केस में मैं ये वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत की इमेज को पास करूंगा और फिर हम लोग को ना एक नया वीडियो मिल जाएगा। इसके लिए हम लोग ने कोड किया है, ये पाइथन में कोड किया हुआ है, तो ये कोड मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये फोल्डर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम लोग एक रूप गिट रेपोजिटरी है जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और फिर यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ये इमेज है जिसको हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं इस वीडियो में, और जो वीडियो डाउनलोड होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, अभी इसमें चेक करोगे तो इसमें सारे फोल्डर्स ये आ गए, और यहाँ पे मॉडल्स में आप चेक करोगे तो यहाँ पे एक मॉडल हम लोग ने डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक टेम्पररी फोल्डर बनता है जिसमें वो सारी इमेजेस डिवाइड करता है, मतलब 34 फ्रेम में वो सारी इमेजेस रन करने के बाद ये वीडियो बनता है। तो वो एक एक फ्रेम जो होती है, इट्स अ इमेज, तो वो हर एक फ्रेम को डिवाइड करके वो इमेज रिप्लेस करता है। ठीक है, और इसमें हम लोग पांच चीज़ें कर रहे हैं। अगर ये देखोगे तो यहाँ पे हम लोग पहले क्लोन कर रहे हैं, यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्लोन कर रहे हैं ये रिपोजिटरी को, और जितना रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में जितने भी लाइब्रेरीज हैं वो हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। ये होने के बाद हम लोग सेकेंड स्टेप कर रहे हैं कि मॉडल डाउनलोड कर रहे हैं। मॉडल बेसिकली इसमें सब कुछ लॉजिक इसमें लिखा हुआ है। ये हगिंग फेस एक मॉडल प्रोवाइड करता है INS रैपर, सो ये हम लोग मॉडल यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे GPU सपोर्ट के लिए हम लोग ONX यूज़ कर रहे हैं। तो ONX बेसिकली आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है GPU पे रन करने के लिए। आपकी जितनी भी लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क है वो अच्छे से ये इन्वायरमेंट पे सेटल कर देता है। ठीक है, और फिर लास्ट स्टेप है, आप लोग यहाँ पे पाइथन रन कर रहे हैं, run.py फाइल रन कर रहे हैं, और ये सारे पैरामीटर पास कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग टारगेट जो वीडियो है वो दे रहे हैं, यहाँ पे इमेज का नाम दे रहे हैं, फिर यहाँ पे कंटेंट जो अपना लास्ट में जनरेट होके आएगा। ठीक है, और ये रन होने के बाद आपको यहाँ पे ये इमेज सेव कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करके ये इमेज लोकल पे डाउनलोड कर सकते हो। ONX बीच का लेयर है फ्रेमवर्क और डिप्लॉयमेंट के बीच, ये एक लेयर प्रोवाइड करता है, पूरा इकोसिस्टम है बोल सकते हैं जो जिस पे हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं अपना मॉडल, और ये रन होगा। ठीक है, अगर ये चेक करोगे तो इस टेक्नोलॉजी में हम लोग बेसिकली डीप लर्निंग यूज़ कर रहे हैं, जो NLP यूज़ होता है। और फिर ये वर्क कैसे करता है, इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, GAN। ओके, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, तो जनरेटर का काम है जनरेट करना, इमेज जनरेट करता है, और डिस्क्रिमिनेटर का काम है कि उसको बताना कि ये रियल है कि फेक है। और जनरेटर क्या है, तब तक जनरेट करता रहता है जब तक डिस्क्रिमिनेटर उसको ये नहीं बता, और डिस्क्रिमिनेटर ये फ़र्क नहीं कर पाता कि ये रियल है कि फेक है। सपोज एक वीडियो में किसी का हम लोग इमेज रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेटर के पास जाता है और फिर हर फ्रेम में वो चेक करता है कि ये रियल है कि फेक है। अगर फेक हुआ तो जनरेटर के पास वापस जाएगा, ऐसे तब तक करता रहेगा जब तक डिस्क्रिमिनेटर रियल और फेक में डिफरेंस ना बता दे। जनरेटर इमेज जनरेट करना तब स्टॉप करता है जब डिस्क्रिमिनेटर उसको रियल और फेक में डिफरेंस ना बता पाए। ठीक है, और फिर एग्जांपल के लिए अगर समझो, अगर हम लोग जनरेटर फेक मशीन है जो मनी प्रिंट करती है, तो उसको ऐसी करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी कि वो एकदम ही रियल लगे। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेटर पुलिस है, अगर वो गलत नोट पे प्रिंट करता है तो ये पुलिस उसको पकड़ लेगी। ठीक है, तो ये इसको वापस प्रिंट करना पड़ेगा, तो ये जब तक ये तभी पास हो पाएगा जब वो एक्चुअल नोट एकदम रियल प्रिंट करे। ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेटर पकड़ ना पाए, ये सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होता है। ये रूप गिट रिपोजिटरी है, इसका कोड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये run.py है। सबसे पहले ये फाइल कॉल होती है, यहाँ से ये कोर फाइल में जाता है। ठीक है, और फिर कोर फाइल में अगर चेक करोगे तो यहाँ पे हम लोग ने स्टार्टिंग में ये इसका क्लोन किया हुआ है, और फिर रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी से जितने भी डिपेंडेंसी है ये सारे डिपेंडेंसी हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, इसका पर्टिकुलर वर्जन ही हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं कि वो सपोर्ट करे। और यहाँ रूप फोल्डर में, ये रूप फोल्डर में बेसिकली मेन कोड है, यहाँ पे मेन लॉजिक लिखे हुए हैं फेस स्वैप करने के लिए। इस वीडियो के फेस को हम लोग सुशांत सिंह राजपूत के फेस के साथ रिप्लेस करेंगे और पूरा वीडियो फिर से जनरेट करेंगे। ठीक है।
ये रहा फाइनल आउटकम जिसमें हम लोग ने फेस स्वैप कर दिया है विद सुशांत सिंह राजपूत।